हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पवार है और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्त्रियों की। दोस्तों मिस्त्री और घर मालिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो आपकी जो राय है वो भी हमें आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय इसमें क्या कहती है कि मिस्त्री के बारे में हम सही कहते हैं या गलत कहते हैं। और उससे पहले आपको दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखने के तुरंत आपको पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन दबाना है दोस्तों। और अगर आपको हो सके और अगर आप कोई मिस्त्री हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करना है। दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं कि मिस्त्रियों की जो आज की कंडीशन है 2022 में वो किस तरह की है, मतलब कि आज 2022 में आज मिस्त्री को किस स्थिति में देखा जाता है और मिस्त्रियों को किन कंडीशनों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों आज क्या होता है कि आज मिस्त्री, पहले एक मिस्त्री जो रहता था घर बनाने वाला, उसको बहुत मान सम्मान मिलता था और उसको काफी ऊंचे दर्जे से सम्मानित किया जाता था कि मिस्त्री साहब आओ। आज की जो स्थिति है 2022 की, ये जो पहले होता था ये आज से करीब करीब 15 साल नीचे, मतलब पुरानी बात हो गई है। 15 साल पीछे अगर जाओ तो उस टाइम पे ये चीजें होती थी। आज क्या होता है कि आज मिस्त्रियों को उस कंडीशन में नहीं है। मिस्त्रियों के बीच में एक और चीज आ गई है जिससे इनका जो लेवल है वो गिर गया है काफी हद तक, मतलब मेरे हिसाब से वो। बाकी तो इनमें क्या है कि मिस्त्रियों की जो लेवल गिरा है आज, क्या अरे वो मिस्त्री नहीं आया यार, उसकी ऐसी तैसी उसने काम भी कर दी, ये सबसे बड़ा रीजन हो गया मकान के बारे में। मकान और घर मालिक और मिस्त्री की जो चीजें है, अब इनमें क्या हुआ है, दोनों के बीच में दो कंडीशन है दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन, मिस्त्रियों के बीच में एक तो इंजीनियर साहब आ गए। अब पहले मिस्त्री साहब थे, वो हट गया, अब उसकी लेवल मजदूर में आ गई है मिस्त्री। अरे वो मिस्त्री मतलब ये वर्ड मतलब उसके लिए अब यूज हो रहा है। और अब जो उनसे जो मतलब क्यों, पहला क्या है कि मिस्त्रियों ने कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ नहीं भी थे, मगर दोस्तों क्या है कि मिस्त्रियों ने एक प्रैक्टिकली थे, वो पढ़े हुए है या नहीं है उससे नहीं, उनको काम का अनुभव। आज मान लो 70% ड्रावर जो रहते हैं ना वो बगर पड़े रहते हैं, मगर उनको गाड़ी का हर एक चीज का नॉलेज रहता है कि गाड़ी में क्या होगा ना, गाड़ी किस तरह चलाएं, ये मतलब रीजन है, मतलब प्रैक्टिकली रीजन है, आप कुछ भी कह सकते हो। और आज जो कंडीशन में जो आप इंजीनियर साहब आ गए हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो रीजन जो बता रहा हूं वो जो सही बता रहा हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर मान लो कोई इंजीनियर साहब को अगर मान लो गलत लग रहा हो तो मैं उनके लिए माफी चाहूंगा कि अगर मान लो मैं उनके बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो उन मिस्त्रियों की बात कर रहा हूं कि जो उनकी कंडीशन लो हो चुकी है। तो आज मतलब कि जो मिस्त्रियों के जो हालत है वो है इंजीनियर साहब के चक्कर में दोस्तों। मिस्त्रियों को उन घृणा से देखा जाता है कि ये काम बिगाड़ेगा और इंजीनियर साहब काम हमारा सुधारेंगे। मगर मेरे हिसाब से, एक मेरा जो अनुभव है दोस्तों, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70% काम आपका मिस्त्री ही सुधारेगा, बिगाड़ेगा नहीं, वो सुधारेगा। अगर मिस्त्री अच्छा है और अगर मिस्त्री और इंजीनियर की तालमेल बनी रही तो आपका 100% काम सही हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर मान लो इंजीनियर अलग चल रहा है और मिस्त्री अलग चल रहा है तो आपका काम बिगड़ना है, ये तो एक अलग काम बिगड़ने वाले रीजन हो गए। अब दूसरी बात यह है कि उनको लो कंडीशन में इसलिए घेर दिया गया है कि हमने पहला रीजन बताया था कि आप मिस्त्री के बीच में कब इंजीनियर साहब आ गए हैं। अब दूसरा रीजन भी सुन लिए, मिस्त्रियों की जो तादाद है दोस्तों वो काफी हो चुकी है, इसके कारण भी उनका जो ग्राफ मतलब जो लेवल है, जो मतलब कि वो लेवल इसलिए गिर गया है कि मतलब मिस्त्री की तादाद ज्यादा होने से उनका जो अभाव है वो खत्म हो गया है। तो एक ये रीजन भी है कि मिस्त्रियों को इन कंडीशनों में देखा था। आज से 15 साल पहले अगर हम चलते हैं तो मिस्त्रियों को काफी इज्जत और मान सम्मान मिलता था, चाय वगैरह सब मतलब कि अच्छी निगाह से उनको देखते थे, और आज की स्थिति में मिस्त्रियों एकदम लो कंडीशन में चले गए। दूसरी बात, अगर मान लो इंजीनियर साहब ने बोल दिया कि भाई कॉलम टू कॉलम बीम नहीं रखना हमको, इसको तो हम दीवार पे ब्रेक करेंगे, मतलब वो उनकी भाषा में, वही देखो क्या है, वो पढ़े लिखे है, वो उनकी भाषा में कुछ भी बोलेंगे, हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे,
तो मकान मालिक चूं भी नहीं करेगा। और अगर मान लो कोई मिस्त्री ने अगर मान लो कह दिया कि भाई हम तो यहाँ एक कालम अलग कर देंगे, अरे ऐसे कैसे कर देगा, मकान गिर जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। तो मतलब कि ये है कि दोस्तों सिर्फ पढ़ाई करने से डॉक्टर नहीं बना जाता है, क्योंकि डॉक्टर के लिए प्रैक्टिकली बहुत जरूरी दोस्तों। अगर इंजीनियर साहब पढ़े करके ना अगर मान लो वो मकान का फोकस हो, कई मैंने देखे हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं कामों कि जो इंजीनियर तो सजेस्ट कर देता है, बाद में मकान में क्रेक आता है और दिक्कत आती है, तो वो तो खैर मिस्त्री नहीं जानता है, क्योंकि इंजीनियर अगर बोलेगा वही बोले वही करेंगे वो, तो मतलब उसमें उसकी जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। मगर मेरे हिसाब से तो क्या है कि अगर कॉलम टू कॉलम अगर बीम चलेगा तो सही है, अगर अदरवाइज उसको एक तरफ से आप ले गए हो, मान लो कॉलम अलग है और बीम आपने अलग से ही डाल दिया है और चलने तो क्या है, तो ब्रेक हो गया इस दीवार पे ब्रेक कर देंगे नहीं चलेगा। इंजीनियर के सामने आपका जो मकान मालिक है वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलने के उसको पैसे देता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर मान लो उसने इंजीनियर कर लिया है तो वो मिस्त्री की नहीं सुनेगा, ये इसके फायदे की सोच रहा होगा, तो इसके कारण क्या है कि वो मकान मालिक उसकी भी नहीं सुनता है। तो इंजीनियर साहब ने जो अगर बोल दिया, मेरा काम मतलब मेरा मानना यही है कि अगर मान लो इंजीनियर साहब ने अगर आपको बोल दिया है कि ऐसा है, तो मैं इंजीनियर साहब से कहता हूं कि भैया पढ़ाई करने से है आपको डिग्री तो जरूर मिल गई है, मगर आपकी प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, प्रैक्टिकल हर इंजीनियर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई में ही उसका फोकस लगातार उस डिग्री को हासिल करता है। और जो एक मिस्त्री होता है ना, उसकी डिग्री ही है, जितना पुराना मिस्त्री है और जितना अच्छा उसका मतलब हो जाता है, मान लो काम उसके बहुत सारे चल रहे हैं, उसके उसी का एक रीजन मिलता है कि ये पुराना है और वो ही उसकी डिग्री है, उसको कोई एक सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जाता कि ये अच्छा काम करता है, क्योंकि अभी तो कोई सरकार ने भी ऐसी मान्यता नहीं दी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, आप मकान अगर बना रहे हो, घर अगर बना रहे हो, और अगर आप इंजीनियर कर रहे हो उसमें, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इंजीनियर करिए, क्योंकि भाई इंजीनियर करोगे तो आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिलेगी। मगर मिस्त्री को सिर्फ इंजीनियर के बाद में इग्नोर ना करें, क्योंकि मिस्त्री उसकी जड़ है और आप उसका इंजीनियर जो आप बोलते हो उसको, वो एक आंख है, वो सिर्फ बताएगा, मगर उसकी जो जड़ है, उसकी जो मजबूती है, वो एक मिस्त्री ही ला सकता है। मकान के अंदर एक मजबूती एक मिस्त्री ही ला सकता है, उसको आप इग्नोर ना करें, उसकी बात को सजेस्ट करें, सुने और उस पर गौर करें। ऐसा नहीं है आपने इंजीनियर कर लिया और अरे ये अलग हटाओ इसको, हमने इंजीनियर करा वो बताया ऐसा कर, तो ऐसा नहीं है। इंजीनियर कुछ भी बोल देगा, इंजीनियर को ऐसा कुछ नहीं रहता है, उसको सिर्फ उसका फोकस पूरा रहता है मकान के डिजाइन के ऊपर, मकान में भाई कहाँ से लुक लाना है, कहाँ से उसको जगह निकाल के कहाँ ले जाना है, बस ये काम उसका रहता है, मजबूती का नहीं रहता, मजबूती का काम सिर्फ मिस्त्री ही कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।